हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन सभी टॉपिक से आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थोड़ी लंबी जा सकती है, बट जितने भी सीरियस कैंडिडेट है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और देखता हूँ आज कितने लाइक मिलते हैं इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पी व क्यू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने साथ साथ में लिखते चलते हैं, पी और क्यू 12 दिन में कर लेते हैं। क्यू और आर एक साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो इन दोनों, ये दोनों करते हैं 15 दिन में। पी व आर एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में। तो पी और आर कितने दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। यदि पी इस कार्य को अकेला करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो अगर पी अकेला इस कार्य को करता है तो कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपको बताना है। भाई देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन ही हो चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी पूछा गया था, ठीक है, बस डिजिट चेंज थी। तो कैसे करना है, सबसे पहले इनका ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। तो 12, 15, 20 का एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम रहती है या इस टाइम पे, तो आपको कोई भी ऐसी संख्या यहाँ पे ले लेनी है जो इन तीनों से भाग हो जाए, कंप्लीट भाग हो जानी चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं रहनी चाहिए वैल्यू। तो यहाँ पे हमने 60 ले लिया, 60 को हमने 12 से भाग किया, तो P और Q एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 5 यूनिट वर्क, ठीक है। ये 60 जो है टोटल यूनिट वर्क आ गया है, ठीक है। तो इसमें P और Q मिलके दोनों एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 60 को 12 से भाग कर देंगे, 5 यूनिट वर्क। 60 को 15 से भाग कर देंगे तो Q और R एक दिन में 4 यूनिट वर्क करेंगे, और 60 को हम 20 से भाग कर देंगे तो P और R का एक दिन का वर्क आ जाएगा 3 यूनिट। तो ये इनका वर्क आ गया। अब पूछा किसका गया है, यहाँ पे पूछा गया कि P अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि P एक दिन में करता कितना है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, P इस लाइन में है और इस लाइन में, मैंने पहले भी बता रखी है सारी चीजें। तो इसमें इसको और इसको प्लस करिए और 4 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 और 3 कितना होगा, 8, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 4 बच जाएगा। यानी कि P जो है वो एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है। अब एक्चुअल में ये 4 यूनिट नहीं करता, ये करता है 2 यूनिट वर्क, ठीक है। कैसे भाई, ये सारे दो दो बार काउंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी वर्क निकल के आएगा वो भी डबल निकल के आएगा। तो या तो आप इस 4 को आधा कर लीजिए या फिर इस वर्क को डबल कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा वर्क को ही डबल कर लें, क्योंकि कई बार यहाँ पे दे दिया जाता है, मान लीजिए 5 बचता, तो 5 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना था, 2.5। तो 2.5 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो पॉइंट में वैल्यू आ सकती है, बट अगर आप इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120, और 120 को 4 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, 30 डेज। तो ये जो पी है अकेला इस कार्य को 30 डेज में कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में जो था इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि P का कैसे निकाले कि P एक दिन में कितना वर्क करता है, क्योंकि सेपरेट तो किसी का नहीं दिया गया। तो अगर यहाँ पे किसी का भी निकालना पड़ जाए, मान लीजिए आपको Q का निकालना पड़ जाए, तो Q इस लाइन में और इस लाइन में दोनों को प्लस करिए और इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। 5, 4 कितना हो गया, 9 को 3 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो Q का हो जाएगा 6। इसी तरीके से R का निकालना हो तो आप क्या करेंगे, R यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे है, इन दोनों को प्लस करेंगे और इस वाले को माइनस कर देंगे। तो इसी तरीके से किसी का भी निकाला जाए आप निकाल सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो पाइप और टंकी से है, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज आपका पूछा गया था, डिजिट अलग थी, मतलब बस डिजिट चेंज थी। तो कैसे करना है, एक टंकी में 3 पाइप ए बी सी लगे हैं, ए तथा बी इसे क्रम 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है भाई। ए यानी कि 3 घंटे में भरेगा और बी इसको 4 घंटे में भरेगा, आपने इतना लिख लिया। तथा सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी जो पाइप है वो खाली करने वाला है और वो 1 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। इसके सामने हम माइनस का साइन लगा लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि ये खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। यदि इन पाइपों को क्रम 3:30 बजे, 4:30 बजे और 5:30 बजे खोला जाए तो किस समय टंकी खाली होगी,
यहाँ पे यानी कि अलग अलग टाइम पे खोला जा रहा है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, अगर बच्चे ने पहले नहीं कर रखा है, आपने अगर पहले कभी नहीं किया है, तो आप इसमें डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे। तो इसको करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन करके आए। भाई ए जो है वो 3 घंटे में भर देता है टंकी को, बी 4 घंटे में भर देता है, और सी 1 घंटे में खाली कर देता है। तो खाली करने की स्पीड कितनी है, वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों तो मिलकर जितनी जल्दी ये दोनों भरेंगे ना, उससे जल्दी ये खाली कर देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ गया इनका 12, तो 12 क्या गया, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी कि टैंक में 12 यूनिट या फिर 12 लीटर पानी ही आ सकता है। ठीक है, अब इनको अलग अलग टाइम पे खोला जा रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ए जो पाइप है वो 1 घंटे में, सॉरी हाँ 1 घंटे में ना, हाँ 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, तो 12 को आप 3 से भाग करेंगे तो ए जो पाइप है वो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरेगा। फिर 12 को हम 4 से भाग करेंगे तो बी जो पाइप है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा, और 12 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो सी जो है वो 1 घंटे में 12 यूनिट पानी निकाल देगा। ठीक है, ये खाली करने वाला पानी पाइप है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, सबसे पहले ए पाइप को खोला जाएगा 3 बजे, तो 3 से 4 सिर्फ ए पाइप खुला रहेगा, तो 3 से 4 कितना यूनिट पानी भरेगा, ये 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, तो 1 घंटे में सिर्फ 4 यूनिट पानी भरेगा। ठीक है, तथा 5:30 बजे दूसरे वाला पाइप खुल जाता है, तो सॉरी ये दूसरे वाला 4 बजे खुलता है, तो 4 से 5 चलेंगे फिर ये दोनों, क्योंकि ए तो खुला ही रहता है पहले से और बी भी खुल जाता है कितने बजे, 4 बजे, तो 4 से 5 दोनों चलेंगे, तो 4 और 3 कितना होता है, 7, तो 7 यूनिट पानी भरा जाएगा 1 घंटे में, तो 7 यूनिट पानी भर दिया गया है 1 घंटे में 5 बजे तक, यानी कि 4 और 7 पानी भर चुका है। ठीक है, यानी कि 11 यूनिट पानी भर चुका है। अब क्या हुआ कि 5 बजे तीसरे वाला जो खाली करने वाला पाइप है उसको भी खोल दिया गया। अब मुझे ये बताइए कि अगर तीसरे वाला पाइप खुल रहा है तो पानी भर सकता है या पानी निकल सकता है? भाई पानी भर नहीं सकता, पानी निकल ही सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलके कितना यूनिट पानी भरेंगे, 7 यूनिट पानी, और ये अकेला 12 यूनिट पानी निकाल देगा, तो कितना हो गया, 5 यूनिट पानी निकलेगा, हर एक घंटा भरेगा नहीं, तो अभी तक जितना भी पानी भरा था उसमें से ही निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक भरा कितना था, 11 यूनिट पानी, और अब निकल कितने यूनिट पानी निकल रहा है, 1 घंटे में 5 यूनिट पानी, तो कितने घंटे में ये टोटल 11 यूनिट पानी निकल जाएगा, यही तो निकालना है। बस अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तो कंप्लीट आ जाएगा, 1/5। इस 1/5 को हम मिनट में बदल लेंगे तो क्या होगा, 1/5 की मल्टीप्लाई करेंगे 60 में, तो ये कितनी बार, 12, यानी कि 12 मिनट, 2 घंटे 12 मिनट में ये खाली हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पे आपने सबसे पहले कैपेसिटी निकाली, फिर एक एक पाइप की एक मतलब एक एक घंटे में कितना वर्क करते हैं वो निकाला, फिर यहाँ पे सबसे पहले ए पाइप खोला गया तो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरेगा, फिर दूसरा भी खोल देगा यानी कि 4 से 5 दोनों पाइप चलेंगे तो 7 यूनिट पानी भरा जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर 11 यूनिट पानी भर चुके थे, तभी सी पाइप खोल दिया जो कि खाली करने वाला पाइप है, तो इसके खुलते ही यहाँ पे 5 यूनिट पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा प्रत्येक घंटा, अगर इन दोनों को चलाया जाए, क्योंकि ये दोनों मिलकर सिर्फ 7 यूनिट पानी भर सकते हैं और ये अकेला 12 यूनिट पानी निकाल सकता है। ठीक है, तो अब इस 12 से हमें कोई मतलब नहीं रहा, हमें 11 से रहेगा, क्योंकि 11 यूनिट पानी तो भर रखा है पहले, तो 11 को 5 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे 12 मिनट में। पूछा है किस टाइम तक खाली हो जाएगा, तो आपका लास्ट कितना है, 5 के बाद 2 घंटे 12 मिनट काउंट कर लीजिए, 5 से 6, 6 से 7, 7:12 पे ये खाली हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और टाइम एंड वर्क और जो आपका पाइप एंड सिस्टम है, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, ये ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट भी मैंने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट हम देने की मतलब चाह रहे थे बट उन्हें मिल नहीं रहा था, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिलेंगे, 149 प्राइज है, तो 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो 120 रुपीज़ के टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जरूर डिस्काउंट ले लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक स्टडी स्टूडेंट वालों के लिए डिस्काउंट दिया गया है, जिसमें आपको भरना है सौरभ SPL। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, यानी कि 24 छात्रों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, तो 24×14 कर देंगे हम, 336। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अध्यापक की आयु भी सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है, यानी कि जब अध्यापक की आयु को हम सम्मिलित करते हैं तो औसत आयु बढ़ जाती है कितनी, 1 वर्ष से। ठीक है, तो इसका मतलब 14 वर्ष आपकी औसत आयु है 24 छात्रों की, तो अभी कितनी हो जाएगी, एक अध्यापक को ऐड करने पे 15 वर्ष हो जाएगी, 1 से बढ़ जाती है, तो अध्यापक को ऐड करने पर कितनी हो गई टोटल एज इनकी, अगर सम किया जाए तो 25×15 करेंगे तो 375। अब पूछा है कि अध्यापक की आयु कितनी होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, क्योंकि 24 छात्रों की आयु का सम है और ये 24 छात्र प्लस एक अध्यापक की आयु का सम है 375, दो भी इनका डिफरेंस आएगा वो अध्यापक की आयु हो जाएगी, तो 39 ईयर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये है इसको करने का, एक ट्रिक है ये कि अध्यापक अगर
14 वर्ष का ही होता, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अध्यापक कुछ ना कुछ ज्यादा वर्ष का है, तो कितने ज्यादा वर्ष का है, उसने एक ईयर से औसत आयु बढ़ा दी, और कितने बच्चों की बढ़ा दी, देखिए सभी की बढ़ेगी, क्योंकि वो खुद की तो एक्स्ट्रा लेके ही आ रहा है, जो जितने भी 24 छात्र हैं उनकी भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब 25 की वो एक एक से बढ़ाएगा, तो इसका मतलब 25 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आया है, तो 14 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 39, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ऊपर वाले मेथड से ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक आपका आ रहा है डिफरेंस, ठीक है, CISI का डिफरेंस का क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो दोनों बताऊंगा मैं, 2 साल का भी और 3 साल का भी, 2 साल और 3 साल का ही पूछा जा रहा है, इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जा रहा है, तो दोनों की ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखा है मूलधन जो प्रिंसिपल है 15,000, रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 12%, और टाइम है यहाँ पे 2 ईयर का। तो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, आपको निकालना है क्या डिफरेंस बिटवीन CI SI। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आपको याद करनी है, बस ये वाली, ठीक है, पी, ठीक है, ब्रैकेट आर अपॉन में 100 का स्क्वायर, यानी कि अगर आपका 2 ईयर का बोला जाए तो स्क्वायर करना है, अगर 3 ईयर का बोला जाएगा तो इसके नीचे मैं वो बताऊंगा, अभी आप इसको देखिए। तो यहाँ पे पी मीन्स प्रिंसिपल 15,000 हो जाएगा, रेट कितना दे रखा है 12%, तो 12/100 हो जाएगा, और इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे हम, 15,000 गुणा कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, और 100 का कितना हो जाएगा 10,000, तो ये आपने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, और ये आपका आ जाएगा कितना, इसको डिवाइड करेंगे आप 14.4, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 216, इनका डिफरेंस आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी आ चुका है आपके एग्जाम में, और 3 ईयर का भी आ चुका है, तो 3 ईयर का भी देख लेते हैं। डिफरेंस अगर आता है CISI का 3 ईयर का, तो उसको कैसे करना है, यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल 18,000, रेट कितना है 15%, और टाइम दे रखा 3 साल का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, अगर CISI का 3 साल का डिफरेंस पूछा जाता है तो इतना तो आपको पता चल ही गया, बस इसमें ये और ऐड कर दीजिएगा 300 प्लस आर अपॉन में 100, बस इतना ऐड करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बस ये सब कुछ फॉर्मूले में फिट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पी आपका कितना है 18,000 है, रेट कितना है 15% अपॉन में 100, ये दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 300 प्लस 15 अपॉन में 100, देखिए फॉर्मूला कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस आपको आर एक्स्ट्रा करना है, 3 साल की बात की गई है ना, तो आपको 300 तो याद रख ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 300 प्लस 15 अपॉन में 100 आपको कर देना है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे 18,000, ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, और ये कितना हो जाएगा 10,000, जितनी जीरो कट सकती है काट दीजिए सबसे पहले, तो ये जीरो कट जाएगी, 3 से 3 ये कट गई, ठीक है, इसको 2 से कट करेंगे 5 टाइम, इसको 2 से कट करेंगे 9 टाइम, तो यहाँ पे 5 से अब इसको आप कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा 45, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम कट कर लेंगे 5 से, ठीक है, तो 5 से कट करेंगे 20 टाइम, और इसको करेंगे 63 टाइम, फिर 5 से इसको कट करेंगे 4 टाइम, और इसको करेंगे 9 टाइम, तो आपका पूरा ये कट पिट के सारा कितना आ जाएगा, 9 की 9 में करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 81 इंटू 63, ये ऊपर बच गया, नीचे कितना बचा है 4, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, देखिए 5103 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1275.75, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, और डायरेक्ट आपका, देखिए जो क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 18,000 का ही पूछा गया था सादे एक बार 3 ईयर का, तो ये क्वेश्चन समझिए ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो देख लीजिए ऐसे करना है आपकी बार अगर डिफरेंस का आता है, ठीक है, बस आप पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये आपका फॉर्मूला है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है आपका, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है ना तो मतलब डिजिट चेंज है बिल्कुल, डिट्टो एक ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है अभी एनालिसिस में कर रहा हूँ आपका डेली। 4 रुपये में 3 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिए तो हानि प्रतिशत बताओ, तो आपको इसमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि इसकी थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है ये क्वेश्चन, जब देखते हैं इसको कि यार ये क्या पूछ रख क्या रहा है, समझ में नहीं आता ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, एक तरफ तो लिख लीजिए रुपीज़ और एक तरफ लिख लीजिए क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि बस आपको ऐसे समझना है कि 4 रुपये के 3 नींबू खरीदे, 4 के 3 खरीदे रख लिए, और 3 के 4 बेच दिए, तो 3 के 4 बेच दिए, तो यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ रही है भाई, 4 के 3 खरीदेगा और 3 के 4 बेचेगा तो लॉस तो होना ही है, बट अगर आपको ये चीज़ भी समझ में नहीं आती है तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा प्रॉफिट होगा, कैसे पता चलेगा कि लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इनकी कर देने क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की 3 में करेंगे 9 और 4 की 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16। अगर ये क्वांटिटी वाली साइड बड़ी आती है, ध्यान से सुनिएगा, क्वांटिटी वाली साइड बड़ी आती है तो लॉस होगा, और रुपीज वाली साइड बड़ी आती है तो प्रॉफिट होगा, बस आपको इतना ही देखना है। और यहाँ पे पूछा क्या है, बेचे तो हानि की प्रतिशत बताओ, तो यहाँ पे लॉस की आपको परसेंटेज बतानी है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 7 हो जाएगा, तो 7 अपॉन में, अब ये भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर लॉस होता है तो नीचे बड़े वाली अमाउंट, ठीक है, और अगर प्रॉफिट होता है तो नीचे छोटे वाली अमाउंट, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ये वाली, तो नीचे
ये वाली रख देनी है। एक बार और बता देता हूँ, देखिए जब भी ऐसी कंडीशन में आप फंस जाए कि नीचे कौन सी आएगी, अब प्रॉफिट एंड लॉस में कई बार यही इक्वेशन फंस जाती है आपके कि कौन सी नीचे रखें कि आपका आंसर बन जाए। ठीक है, अभी इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी इसमें CPR, कौन सी आपकी सेलिंग प्राइस है, तो आपको ये तो पता है कि नीचे CP रखी जाती है, अब इनमें कौन सी पता करें कि CP है, तो यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, आपको ये देखना है कि कौन सी बड़ी है। हमेशा लॉस होगा तो नीचे बड़े वाली संख्या, और हमेशा प्रॉफिट होगा तो नीचे छोटे वाली संख्या, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो 7/16 हो जाएगा, इनटू कर देंगे 100 से, तो इसको कट करेंगे हम किससे, 2 से कट करेंगे तो 8 टाइम जाएगा, ये कितनी बार 50 टाइम जाएगा, फिर इसको दोबारा से 2 से कट करेंगे 25 और ये 4 टाइम, तो कितना हो जाएगा 7/25/4। इसको करेंगे सोल्व तो कितना आ जाएगा 175/4, तो कितना जाएगा 43 कंप्लीट 3/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो आप उसको डेफिनेटली पूरा कंप्लीट करके आएंगे और अच्छे से आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। ठीक है, आपके जो एग्जाम में आया था वो AB के रेशियो में आया था कि AB से इतने एफिशिएंट है, तो मैंने यहाँ पे कमल ले लिया और विमल ले लिया। ठीक है, कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, विमल कमल से 50% अधिक अक्षमता है, यानी कि जो एफिशिएंसी रेशियो यहाँ पे बन जाएगा आपका कि जो विमल है वो कमल से 50% अधिक एफिशिएंट है, वो अच्छा वर्क कर लेता है। ठीक है, इस कार्य को समाप्त करने में विमल कितना समय लेगा, विमल का पूछा है कि विमल कितना समय लेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए कमल 100% वर्क करता है तो विमल इससे 50% एफिशिएंट है, इसका मतलब ज़्यादा करता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 150%। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 50 से कट करेंगे 2 टाइम जाएगा, ये करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, तो इनका रेशो क्या बन गया 2:3। काम करने की अक्षमता का जो रेशो है आया इनका 2:3 हो जाएगा। अगर समय का रेशो आपसे पूछ ले जाए, कई बार क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि इनके समय का रेशो, यानी कि ये कितने समय में वर्क कंप्लीट कर लेंगे, इनके समय का रेशो बताइए, कुछ नहीं करना है, जो भी काम करने की एफिशिएंसी का रेशो होता है, काम करने की अक्षमता का रेशो होता है, उसका अपोजिट आपका समय का रेशो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 3 को यहाँ रख देंगे, ये यहाँ पे रख देंगे, वैसे इसका कोई इतना आपका यूज पड़ेगा नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ समय का रेशो कैसे निकालना है। ठीक है, समय के रेशो का वैसे हाँ यूज तो है इसमें। ठीक है, इसमें क्योंकि ये रखा है कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है, तो 15 दिन में समाप्त कर लेता है, तो कमल का आप टाइम का रेशो देखिए क्या है, 3 है, तो कमल का 3 है टाइम का रेशो, और ये इसको 15 दिन में कर लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कमल का रेशो तो 3 है बट वो एक्चुअल में टाइम कितना ले रहा है, 15 दिन ले रहा है, तो इसका मतलब 3/15 हो जाएगा। पूछा किसका है, विमल कितना समय लेगा इस वर्क को कंप्लीट करने में, तो विमल का रेशो तो 2 है, तो आपको भी इस 2 के इक्वल वैल्यू निकालनी है, तो आप यहीं पे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं क्रॉस यहाँ पे एक्स मान के। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 15 को 3 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 3x बराबर कितना हो जाएगा 30, तो 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो आपका 10 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, या फिर आपको जो मैं अभी आपको बता रहा था, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है भाई, ये इसके इक्वल है, 3 किसके इक्वल है 15 के, तो 3 को डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई 2 से, 5 टाइम जाएगा, 5 की 2 में करेगा तब भी आपका 10 ही आंसर आएगा। यानी कि ये कितने दिन में करेगा, ये कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में, ये वर्क को कंप्लीट कर रहा है 15 डेज में, ये वर्क को कंप्लीट कर देगा 10 डेज में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया कि इस कार्य को समाप्त करने में विमल कितना समय लेगा, तो 10 डेज लेगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जाम में अभी तक, इसको भी देख लेते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, ठीक है, उस पर 10% की छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है, वस्तु कितने में खरीदी, CP आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लागत आपको निकालनी है। तो यहाँ पे आपको देखिए स्टेप वन में क्या करना है, आपको 500 पे अंकित मूल्य ही है ना, अंकित यानी कि आपका MRP पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दी जाती है डिस्काउंट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 500 पे आप 10% निकालेंगे, कितना आएगा 50, ठीक है, तो 50 का आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया है। अब आपको क्या करना है स्टेप टू में, CP आपकी 100% होती है, तो सेलिंग प्राइस आपको 20% लाभ कमाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 120% के इक्वल वैल्यू है, 10% का डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि 50 का डिस्काउंट देने के बाद भी ये जो इक्वल जो अमाउंट बचेगी वो किसके इक्वल है, वो 120% के इक्वल है। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे बोला गया है अंकित मूल्य पर 500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाता, सॉरी हाँ 500 रुपये है और उसका पे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 10% का डिस्काउंट कैसे देगा, 500 पे 10% निकाल लीजिए, 50 का डिस्काउंट दे दिया। बोला जा रहा है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी
उस पे 20% का लाभ कमाया जा रहा है। लाभ कब कमाया जाता है? जब सीपी से ऊपर बात चली जाती है, तो सीपी से कितने ऊपर बात जा रही है? 20%। तो 100+20 यानी कि 120% की वैल्यू बचेगी। तो 500 में से 50 माइनस करिए, 450 बचेगा। 450 आपकी किसके इक्वल है? 120 के। तो 120 से डिवाइड कर दीजिए। आपको क्या निकालना है? सीपी, सीपी हमारी 100% के इक्वल होती है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई समझ रहे हो ना? बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में एक एक वर्ड को सुनते जाइए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है भाई। और यहाँ पे इसको 2 से कट करेंगे 6 टाइम, और इसको कट करेंगे 50 टाइम, फिर इसको दोबारा से 2 से कट करेंगे 25, और इसको करेंगे 3 टाइम। 3 से 45 को जाएंगे तो 15 टाइम चला जाएगा। तो आपका क्या बचा? नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 25 और 15 बचा है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया सीपी आपका? 375 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगा होगा, ऐसा करता हूँ मैं आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो चीज़ का ध्यान रखना है आपको। एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ है, इसका मतलब आपको 10% काट करके जो वैल्यू बचेगी वो किसके इक्वल बचेगी? वो 20% के लाभ के। 20% का लाभ का मतलब वो 120% के। अगर 120% की वैल्यू आपको पता चलेगी तो फिर किसी भी परसेंटेज की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 100%, 20%, 50%, जितने भी परसेंट चाहे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं पाइप टंकी से। ये बारी बारी वाला वर्क है, यानी कि जब बारी बारी वर्क किया जाता है तब कैसे करना है। दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमांश 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर देते हैं, यानी कि ए जो है वो 6 मिनट में भरता है, बी जो है वो 7 मिनट में भरता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप बारी बारी से 1 मिनट कार्य करे तथा पहले ए को खोले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ए 6 मिनट में भर देता है, बी 7 में भर देता है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया? 42। ठीक है, तो आपका 42 जो आ गया टोटल कैपेसिटी आ गई उस टैंक की, उस टैंक में बस 42 यूनिट पानी आ सकता है, या लीटर बोल लीजिए, यूनिट बोल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे कि ए पाइप 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भरेगा। तो 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ए पाइप जो है वो 1 मिनट में केवल 7 यूनिट पानी भरेगा। 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बी पाइप जो है वो 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भरेगा। ठीक है, अगर बात की जाए तो 1 मिनट में दोनों मिलकर 13 यूनिट पानी भर सकते हैं। सॉरी मिनट है ना, ये 1 डे गलत लिखा गया यहाँ पे, ये मिनट है। ठीक है, तो ये 1 मिनट में भरेगा, तो ये कोई नहीं, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कि 1 मिनट में। ठीक है, तो ये 1 मिनट में आपका 13 यूनिट पानी भर सकता है। बट यहाँ पे जो चेंज हुआ है क्वेश्चन में उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया यदि दोनों पाइप को बारी बारी खोला जाए, अल्टरनेटिवली वर्क कराया जाए, तो कार्य करते करे तथा पहले ए को खोले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले ए को खोला, फिर बी को खोला, फिर ए को खोला, फिर बी को खोला, इस तरीके से वर्क कराया जाए तो इसको पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करना है, इस 13 का पहाड़ा एक ऐसा पढ़ो कि इससे थोड़ा कम रहे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं कूदना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है ए बी, ए बी ये दोनों मिलके जितना वर्क ये एक बार 1 मिनट में कर सकते थे, अभी उसमें 2 मिनट लगेगा भाई। ठीक है, ये हर जगह मैंने लिख दिया डे, तो इसमें ध्यान मत दीजिएगा। ये 2 मिनट का वर्क हो गया, 2 मिनट में 13 यूनिट पानी भरेगा। आपने 13 कितना होता है 39, इसका मतलब आपने क्या किया, 13 का पढ़ा 3 बार पढ़ा। ठीक है, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा 39। 42 में से 39 माइनस करिए कितना बचेगा भाई, 3 यूनिट रिमेनिंग बचा है। अभी इसको छोड़ देते हैं 3 यूनिट को। हमने क्या किया यहाँ पे, 13 तीजा कितना हो गया आपका 39। 3 में आपको क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई क्यों करनी है, इसका रीजन सुनिए। यहाँ पे ये जो 13 यूनिट वर्क है ये 2 मिनट का वर्क है, कितने मिनट का, 2 मिनट का। मैंने सीधा सीधा क्या करा, इसको 13 तीजा कर दिया, तो इसका मतलब है मुझे इस 3 में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट हमें टाइम नहीं मिला है, ये केवल 3 मिनट का ही वर्क हुआ है, बट हमें ये वर्क कराना है डबल टाइम में, अल्टरनेटिवली कराना है ना, तो 6 मिनट आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है एग्जाम में भाई, जो भी अल्टरनेटिवली बोला जाता है तो यहाँ पे जितने दिन में भी, अगर दिन की बात की जाए दिन में, अगर मिनट की बात की जा रही है, घंटे की बात की जा रही है तो घंटे में, तो 2 घंटे हैं यहाँ पे, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 6 यूनिट। ठीक है, बचा हुआ वर्क कितना है 3, इसको करने कौन आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी बचा हुआ वर्क होता है उसको करने वही आता है जिसने वर्क स्टार्ट किया था। तो वर्क स्टार्ट किया था ए ने, ए 1 मिनट में कितना वर्क करता है 7 यूनिट, तो 3 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ गया राइट आंसर, 6 कंप्लीट 3/7, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में जो समझने वाली चीज थी वो ये थी कि यहाँ पे 3 में 2 की मल्टीप्लाई क्यों की है। ये 2 की मल्टीप्लाई इसलिए की गई है क्योंकि जो 13 यूनिट वर्क है ना ये 2 मिनट का वर्क है, अब ये 1 मिनट का वर्क नहीं रहा है।
कि ठीक है बारी बारी वर्क करा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये 2 मिनट का वर्क बन गया, पहले 1 मिनट ये करेगा फिर 1 मिनट ये करेगा फिर 1 मिनट ये करेगा, तो ये 2 मिनट में होगा ना 13 यूनिट वर्क। अगर हम बात करें तो ये 1 मिनट में सिर्फ 1 मिनट में 13 यूनिट वर्क कर सकते हैं बट कराया नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई किया। देखिए मेरा गले में भी थोड़ा दर्द होने लगा है भाई, आज मुझे लाइक चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये भी आ चुका है साधारण ब्याज पे, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है, मैं हर क्वेश्चन में इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि ये क्वेश्चन जो आया हुआ होता है ना उसमें ऐसा मन करता है कि आपको बता भी दूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो 3 ईयर का आपको कितना है 575, ठीक है, जो ब्याज की दर है वो कोई धन साधारण ब्याज की दर से दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है कोई धन, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, अमाउंट है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब होता है उसमें इंटरेस्ट भी है और उसमें प्रिंसिपल धन भी है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, मूलधन भी इसमें इंक्लूड है, उसमें आपका इंटरेस्ट भी है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 3 वर्ष में तो इतना हो जाता है और 5 वर्ष में इतना हो जाता है, कितने वर्ष के बीच का डिफरेंस है 2 वर्ष का, और ये कितना है 25। तो इसका मतलब 2 साल में 25 इंटरेस्ट लगा है, तो अब आप यहाँ से इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये जो आपका है 225, ये किस अगर मैं इसको निकालूं दो यानी कि मल्टीप्लाई कर लूँ इसमें कितने की, 2 वर्ष का आपका कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में आपका दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो आएगा 50 आएगा भाई, ठीक है। तो 2 वर्ष में ये 50 इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, तो 2 वर्ष में अगर 50 है तो 1 वर्ष का कितना होगा 25। आप सभी को पता है सिंपल इंटरेस्ट अगर फर्स्ट ईयर में 25 लगा है तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितने भी ईयर की बात की जाए उसमें उतना ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होता, वो किस में होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो आपका ये 1 साल का 25 इंटरेस्ट है, अगर मैं 3 साल की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 75। अब ये 3 साल में यहाँ पे इसमें मैंने क्या बोला था, इसमें मूलधन भी है और साधारण ब्याज भी इंक्लूड है, यानी कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। अगर मैं इस 575 में से 75 को माइनस कर दूं तो ये क्या बचेगा 500, मूलधन। तो आपके पास मूलधन भी आ गया है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी निकाल लिया है आपने, तो अब क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो सिंपल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए और आंसर निकाल लीजिए। ऐसा ही यहाँ पे कितना है 75, 500 आपका क्या है मूलधन है, तो 5 यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इंटू आर आपको निकालना है, ये कितने ईयर का है 3 साल का, अपॉन में 100 कर दीजिए तो आपका सीधा सीधा 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 या 15, तो 15 आर एक साइड में होगा, यहाँ पे 75 होगा, तो 75 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 5% आर आ जाएगा भाई। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, एक बार और जल्दी से क्विक रिविजन में इसका दे देता हूँ आपको। 3 साल में आपका 575 हो गया अमाउंट, कोई अमाउंट है कोई धन है वो 3 साल में 575, 5 साल में 625, डिफरेंस निकाला 2 साल में यहाँ पे 50 आएगा, ठीक है, 2 साल में वो कितना हो गया 50 हो गया, यानी कि 2 साल का जो इंटरेस्ट लगा वो 50 लगा, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा होगा 25, यानी कि आपको 25 इंटरेस्ट मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 25 25 25 इंटरेस्ट लगता जा रहा होगा, तो 3 साल का इंटरेस्ट आपने निकाल लिया कितना 75। अगर मैं इस 575 में से 75 माइनस कर दूं तो यहाँ पे 3 साल का है ना इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड, तो ये मैंने माइनस किया तो बचा कितना 500, 500 क्या बचा मूलधन, तो आपको मूलधन मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, टाइम आपको पता है तो इजीली निकाल लेंगे ना ब्रेट, तो यहाँ पे 75 रखा 500 इंटू आर इंटू 3 अपॉन में 100 और यहाँ पे आपने निकाल लिया आर 5%। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों ट्रेन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, ठीक है, वैसे लगातार ऐसा हो रहा है कि अगर ट्रेन से आते हैं तो आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से आ जा नहीं आता है, अगर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से आ जाता है तो ट्रेन से नहीं आता है, बट मैं आपको यहाँ पे इस ट्रेन के क्वेश्चन से इतनी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि ये समझिए पूरा कुछ चैप्टर मैं आपका कवर कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जितने बच्चे भी यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो बड़ा ही अच्छा लगेगा मुझे अगर आप एक छोटा सा कमेंट छोड़ दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, ठीक है, 1 मिनट में पार कर जाती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को यह कितनी देर में पार करेगी। अब एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी पड़ेगी, तभी हम निकाल सकते हैं कि वो कितनी देर में एक खड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए एक आदमी को पार कर जाएगी। तो हमें चीजें तो दे रखी है ना, तो यहां से हम सबसे पहले निकाल लेंगे ट्रेन की लंबाई, ठीक है,
45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक मिनट में पार कर जाती है। मैंने आपको बताया है, जब भी ट्रेन किसी लंबी चीज को पार करके जाती है जिसकी कुछ लंबाई होती है, तो उन दोनों को प्लस कर लेते हैं और रेलगाड़ी की चाल से डिवाइड कर देते हैं समय निकालने के लिए। ऐसा ही तो करते हैं ना, जब भी रेलगाड़ी, देखिए एक तो हो गया किसी आदमी को पार करके जाना या फिर किसी खंबे को पार करके जाना, मतलब रेलगाड़ी का मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। एक तो हो गया किसी प्लेटफॉर्म को पार करके जाएगी रेलगाड़ी, या तो प्लेटफॉर्म होगा या फिर कोई खड़ी हुई ट्रेन होगी या फिर कोई भी लंबी चीज़ होगी। फिर एक कंडीशन आती है कि एक ट्रेन किसी खड़े हुए खंबे को, किसी खड़े हुए आदमी को, यानी कि उसकी कुछ आपकी जो चौड़ाई नहीं होगी, उसकी कुछ लंबाई नहीं होगी ऐसे करके, तो उसे पार करके जाएगी। तो उस कंडीशन में अलग चीज़ चेंज होगा और इस कंडीशन में अलग होगा, दोनों एक ही इसी क्वेश्चन में आ जाएंगे, बस ध्यान से आप देखते रहिए। तो जब भी रेलगाड़ी किसी लंबी चीज़ को पार करके जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की यानी कि उस चीज़ की लंबाई को प्लस करते हैं और रेलगाड़ी की चाल से भाग कर देते हैं, तो समय आपका निकल के आ जाता है। अगर इसमें आपको कोई सी भी चीज़ नहीं दी होती है, समय नहीं दिया तो समय निकाल लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है तो वो निकाल लेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी है तो ये निकाल लेंगे। अभी जो आपका क्वेश्चन आया था वो आया था कि प्लेटफॉर्म की आपको लंबाई निकालनी थी, यानी कि आपको समय दे रखा था, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी थी और रेलगाड़ी की चाल भी दे रखी थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालनी थी। अभी इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है रेलगाड़ी की लंबाई, तो क्वेश्चन तो वही बन गया ना। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे भाई इसको, यहाँ पे दे रखा है एक मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, एक मिनट का मतलब है 60 सेकंड में। ध्यान रखिएगा ट्रेन की लंबाई दे रखी है मीटर में, तो आपको सारी चीज़ मीटर पर सेकंड में ही चाहिएगी। तो यहाँ पे सेकंड में हो मिल गई हमें समय, और जो आपका ये है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 45 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/2 मीटर पर सेकंड आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है x, और यहाँ पे आपको 100, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 100, और डिवाइड करेंगे 25/2, ठीक है भाई। 25/2 आपने कर दिया इतना काम, तो अब आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई। कैसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 तो ऊपर चला ही जाएगा, तो कितना हो 60x प्लस 100 इंटू 2 अपॉन में 25। अब आप इसको कर सकते हैं सोल्व इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, इधर कितना होगा 2x 200, 2x ये कितना हो जाएगा इधर जाके माइनस, तो 1300। एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1300 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 650 मीटर। तो आपको क्या मिल गया, ट्रेन की लंबाई मिल गई। अब मैंने अभी आपको बताया था जब भी ट्रेन किसी खड़े हुए आदमी को पार करके जाती है तो ट्रेन की लंबाई को हम डिवाइड किससे कर देते हैं, ट्रेन की चाल से। अगर हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता होती तो हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ट्रेन की लंबाई निकाली है और इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। इसमें कई चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे बोला अभी इन्होंने, प्लेटफॉर्म को एक मिनट में पार कर जाती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने देर में पार करके जाएगी, तो यहाँ पे आपको निकालना है कितने समय में। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 650, डिवाइड कर देंगे, रेलगाड़ी की चाल कितनी आई थी 25/2, यही तो आई थी, तो आपको इससे बस डिवाइड कर देना है 650 को, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 650 गुणा 2 और डिवाइड कर देंगे 25 से, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और 26 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 सेकंड। तो जो ये रेलगाड़ी है ये इस खड़े हुए आदमी को 52 सेकंड में पार कर जाएगी, कितनी 52 सेकंड में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं आपको देख करके फिर दोबारा से इसको समझा दूंगा किसी दूसरी वीडियो में। कल से एनालिसिस फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको लगातार कराता रहूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और कितने क्वेश्चन बचे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपका रेलगाड़ी से 30 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी। तो आपका ये पुल हो गया 180 मीटर का और ये वाली आपकी ट्रेन होगी, रेलगाड़ी होगी 270 मीटर पर सेकंड की, ठीक है, तो सॉरी 200 मीटर लंबी, और 30 सेकंड में इसको पार कर जाती है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दे रखा है, तो निकाल लेंगे ना आप सीधा सीधा समय कितने में, तो 270 और 180। मैंने बोला ना जब भी किसी लंबी चीज़ को पार करके जाती है दोनों को प्लस कर लेते हो। रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, देखिए शुरू में दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 450 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो 0 से 0 इससे जाएगा कितना 15 सेकंड में ये पार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप उसको जरूर करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका यह भी पूछा जाता है कि 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जो जितने दिन में वर्क कर लेता है सबसे पहले तो उन सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया 6 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी कि 9 आदमी की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 7 आदमी में, ठीक है, और मल्टीप्लाई 15 आदमी यानी कि 15 दिन में कर लेते हैं, यानी कि 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। इन सभी की मल्टीप्लाई करके एक साइड में लिख लेंगे। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 आदमी 9 घंटे वर्क करें, 6 आदमी 9 घंटे वर्क करके कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर लेंगे, तो उसको हम एक्स मान लेंगे, ठीक है।
अब आपने क्या किया है, इन दोनों को इक्वल करके लिख लिया है, ठीक है। एक साइड में तो जो काम कंप्लीट करते हैं जितने जितने घंटे करके, और एक साइड में जो आपको कराना है, ठीक है। और इसमें आपको कुछ भी मिसिंग कर सकता है, यानी कि यहाँ पे तो कर दिया कि कितने दिन में, यहाँ पे दिन दे दिया जाए तो पूछ लिया जाए कि कितने घंटे वर्क करें, या फिर आपको दोनों चीज़ दे दी जाए कि बोला जाए कि कितने आदमी लग के वर्क करेंगे। तो कोई भी चीज़ मिसिंग कर दी जाए तो आपको बस वही वहाँ पे एक्स लिख लेना है, बाकी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल लिख लेनी है, ठीक है। जो चीज़ें कट सकती है उसको कट कर देंगे, जैसे 9 से 9 ये कट जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 से कट जाएगा 5 टाइम, तो कितना हो जाएगा 7 5 35, और यहाँ पे बचेगा 2x। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 कंप्लीट 1/2, यानी कि 17.5 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका ये है कि 6480 रुपये की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो बताओ कि उसका मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा। अब इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली। यहाँ पे क्वार्टरली भी बोला जा सकता है, हाफ ईयरली भी बोला जा सकता है, ठीक है। अगर क्वार्टरली बोला जाता है तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। तो आपको क्या करना है, इसको जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया है ना, ये आपका कितना है, पूरे साल का है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन करना जानते हैं, सब कुछ है, छोटी सी गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये कितना है, पूरे साल का 10% है। तो आपको ये हाफ ईयरली बोला है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड करके 5% इंटरेस्ट आपको लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पूरा 10% इंटरेस्ट लगा के क्वेश्चन को मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, यहाँ पे जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, तो आपने क्या किया, 6480 का 10% निकाला। अब पूछो कि 10% क्यों भाई, इसका 10% निकालना आसान है 5%। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि हमेशा 5% से ही निकालिए, बट ये ध्यान रखिए कि 10% निकाला तो उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए या फिर इसका 5% निकाल लीजिए, ठीक है भाई। अगर आप इसका 5% निकालते हैं, 6480 का 5% निकालते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे ये 324 आएगा। अगर आपने इसको 10% निकाला तो इसको 2 से डिवाइड करिए तो 324 ही आएगा, ठीक है। तो इसको मतलब हाफ जरूर कर लीजिएगा, या तो पहले कर लीजिए या फिर इसको बाद में कर लीजिए। कई बार आपको क्वार्टरली दे दिया जाता है और मान लीजिए 12% आपको दिया गया, तो 400 उसको डिवाइड करके 4 या 12, तो 3% का आपको इंटरेस्ट लगाना है। 12% मत लगा दीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब इसको करना है 3.25 का 5% निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवर्ती ब्याज में, जो इंटरेस्ट आपका फर्स्ट ईयर में लगा है वो तो आपका जितने ईयर की बात की जाए उतने में लगेगा ही लगेगा, बट इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो 324 पहले ईयर में लगा तो दूसरे ईयर में भी 324 लगेगा, बट दूसरे ईयर में 324 पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो 324 पे 5% निकालेंगे, कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 16.25। तो 324 प्लस 16.25 कितना हो जाएगा, 340.2। तो आपका ये टोटल इंटरेस्ट आ गया कितना, 664.2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो अगर आपको ये PDF चाहिए इसकी वीडियो की, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम अगर आपके पास ऐप है तो डायरेक्ट टॉपिक स्टडी सर्च कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टॉपिक स्टडी सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, फिर उसके बाद टॉपिक स्टडी सर्च करिएगा, और फिर आप टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे आप सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक मैंने बहुत सारी 1500-1600 PDF वहाँ पे अपलोड कर रखी है, वो सब कुछ आप डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो को आपने लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। अगर शेयर और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी के लिए मैं आपके लिए हमेशा वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज लाइक शेयर का कोई ऐसा पैसा या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि अपने माइंड में आप सोचें कि कभी कुछ मिलता हो, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है, बस एक मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा जान आती है कि हाँ आपके लिए वर्क कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको भी लग रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।